शिक्षक संघ इटावा द्वारा समय परिवर्तन हेतु मांग पत्र सौंपा गया। आज उत्तर प्रदेश की जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद इटावा इकाई द्वारा जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को अत्यधिक गर्मी के कारण विद्यालय समय परिवर्तन हेतु मांग पत्र सौंपा गया। जिलाध्यक्ष संजय द्विवेदी द्वारा अवगत कराया गया कि परिषदीय विद्यालयों का समय 8 बजे से 2 बजे तक संचालित हो रहे हैं। इस समय गर्मी अत्यधिक हो रही है, जिससे बच्चों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छुट्टी के समय जब वो बच्चे अपने घर कुछ तो 2 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रांतीय उपाध्यक्ष गौरव पाठक ने बताया कि ज्यादातर जनपदों में प्रतिकूल मौसम को देखते हुए परिवर्तन कर दिया गया, अतः बच्चों और शिक्षक शिक्षिकाओं को ध्यान में रखते हुए मानवीय आधार पर अतिशीघ्र विद्यालय समय प्रातः 7:30 से अपराह्न 12 बजे तक कर दिया जाए, ताकि शिक्षण कार्य एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संगठन ने प्रभारी बीएससी विनोद पांडे से वार्ता की, उन्होंने तत्काल प्रभाव से पत्रावली डीएम कार्यालय संशोधित करके भेज दी। ज्ञापन देने में महामंत्री एहसान अहमद, कोषाध्यक्ष मंजू यादव, अमरपाल यादव, राजेश जाधव, बिना दीक्षित, राजेश मिश्रा, राघवेंद्र शुक्ला, अच्युत त्रिपाठी, अवधेश राठौर, हरिश्चंद्र सिंह, राजीव मिश्रा, नीरज अग्निहोत्री, प्रमोद यादव, शशिकांत शर्मा आदि पदाधिकारी सम्मिलित रहे। क्राइम ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश पवन सिंह की रिपोर्ट।